ए गोरी रे सजनी तोर बिन मोर जिंदगी हो जाई बिरान कहानी कुछ बोलना तो बोलबेस करी तो आपन के का है राय रे थे आपन का कितो मैं तो मन बोलते तब वो सुन के निकल जाता मुझे जाना है कलाकारी करने के परे हो ना बनके मोर घर मा जावो पड़ी की परे हो ना बनके मोर घर मा बने अभद्र व्यवहार टाइप के ऊपर जो शब्द रचना है वो तो वैसे गीत तो मतलब पसंद ही नहीं आया और वो गीत मतलब मैं सुनना पसंद ही नहीं कर रहा हूँ नमस्कार जय जोहार जय छत्तीसगढ़ में आप मन के मित्र आप मन के मितान ओम विश्वकर्मा और आप जम्मो संगवारी मन के हमारे मितान छत्तीसगढ़ चैनल में स्वागत है वेलकम है जय जोहार है जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप मन देखते तो हम छत्तीसगढ़ के जम्मो छोटे बड़े कलाकार मन के इंटरव्यू ला रहन दिखा देते गुड बात करते रहन तो संगवारी हमारे बीच कैसे कलाकार जो छत्तीसगढ़ महातारी के सेवा करते हैं मन के सेवा करते थे लगातार ये स्टेज के माध्यम से सेवा करते यूट्यूब के माध्यम से सेवा करते थे और हमारे बीच संगवारी संगवारियो खेमचंद देशमुख जी है और बिल्कुल हो लगातार गायक के रूप में लोग गायक के रूप में ये सेवा करते थे तो बिल्कुल हम जानबो कर जीवन शैली के बारे में कला यात्रा के बारे में कहाँ तक पढ़ाई करे कहाँ के रहने वाला है बोला कतना ये लाइन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो बिल्कुल है ये वीडियो के माध्यम से चर्चा करबो गौट बात करबो लेकिन आप मन से निवेदन है भाई अभी तक आप मन हमारे मितान छतर चैनल सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब नहीं कर दो फटाफट सब्सक्राइब कराओ शेयर कराओ अपन आशीर्वाद अपन मैद लाड़ दौ तो चलो संगवारी को ज़्यादा विलम्ब नहीं करना सीधा गौट बात के सिलसिला आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले भैया जी आप मन के हमारे मितान छतियर चैनल में स्वागत है वेलकम है जय जोहार है संगवारी हो जय जोहार मैं आप मन के खेमचंद देशमुख जी और मैं ग्राम बेलौदी के रहने वाला रहा हूँ और फिर बात करन आप मन की कला यात्रा के बात करन आप मन की कलाकारी की शुरुआत कैसे हुई से कैसे ढंग से और कब से शुरुआत करे रहे हो और ये लाइन में आप मन आ हो तो कितना संघर्ष करना पड़े से थोड़ा सा हमारे दर्शक मतलब विस्तार पूर्वक बताते हो ताकि वो मतलब जानकारी हो जी वैसे तो मैं कलाकारी बचपन से कर रहा जी मोर यहाँ मोर पिताजी भी कलाकारी लाइन में है जस्ट जस गीत गाते हुआ जे, जे। तो देखत देखत ओला मोरो भी मन करीस लाइत होकर साथ जाओ आओ। हाँ तो स्कूल में पंद्रह अगस्त से छब्बीस जनवरी में जी सब देशभक्ति गीत गात गात हाँ। गात गात कोई लोगन मन जानी तो फिर सब अच्छा लगी सही आवाज़ सुनीस तो सब जस गीत में गाँ सबसे पहली जस गीत के बाद रामायण रामायण के बाद फिर भागवत में गया पाँच छः साल भागवत हूँ भागवत में सिंगिंग और फिर गांव से चाचा है राधेश्याम पार्कर जी वो मतलब ला लाइन अप करीस मुला गीत कैसे गाए जाते कैसे बजाया जाते कहाँ कैसे करना है अच्छा। ये सब चीज़ के लाइन अप करी सोहा तो फिर धीरे 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 मेहनत करे तो फिर आज कह जा तो मोर गुरु वही है मुला यहाँ तक के ला के खड़ा करीस जी बहुत अच्छा और सही बात है संगवा कहीं ना कहीं गुरु के हाथ रहते तभी वो एक बच्चा हो चाहे वो कलाकार हो वो जब गुरु के हाथ रहते ना तो कहीं ना कहीं वो गुरु के माध्यम से वो आगे बढ़ते और ऐसे ही हमारे देशमुख भैया जी आगे बढ़ते थे और बिल्कुल आप मन सपोर्ट करते रहो अपन मैं और दुलार देवत रहूँ अब फिर बात कर आप मन जब शुरुआती दौर में आप मन पहला मन जिसे कहाँ करे रहे हो और कैसे आप मन के एक्सपीरियंस जिसे और थोड़ा सा हमारे दर्शक माना बताते हैं सबसे पहले मंच तो मैं यही भिलाई क्षेत्र में ही देहा तो गाँव के नाम तो पता नहीं है अब बहुत दिन हो गए तो हाँ। ओ चीज तो कैसे रीस आपके अंदर जब पहला मंच दे रहे तो डर तो झिझक के बात करने तो डर तो बहुत रीसी की मैं कहा कैसे गाँव कैसे हाँ। करूँ ऐसे झिझक रीस लेकिन डर डर के ही गाँ लेकिन गात 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 सब मंच में आता डर भगीस अच्छा थोड़ा डर तो मंच में पहली बार जाब तो डर रहे बेस कर क्या बात है और सही बात है संगवारियो कहीं ना कहीं हम जब शुरुआती जब सीढ़ी चढ़तन ना तो कोई भी चीज़ में थोड़ा सा डर रहे थे कि हमार से कोई गलत ना हो जाए किसी प्रकार के डर रहे थे तो डर तो स्वाभाविक बात है लेकिन डर से हमला जीतना है तभी हम जाके आगे बढ़ सकते तो बिल्कुल संगवारी संगवारियो आपमन हमारा रईश्ने देशमुख भैया जिला बिल्कुल अपन मैद दुलार देवा रहूँ ताकि वो भी आगे ये महतारी की सेवा कराता है ये भूया के सेवा कराता था फिर बात कर आपमन के अब थोड़ा सा कला यात्रा के बारे में तो जानकारी ले ही डर और फिर बात करें आप मन के इस फैमिली बैकग्राउंड में बात करें तो ऐसे आप मन हैं। परिवार में कौन कौन हो बताते हो फैमिली बैकग्राउंड में तो मोर अभी हुँ। मैं हूँ मोर माँ हूँ पापा तीनों जन हैं दो तीन बहन है तीन तीनों जन के शादी हो गए अच्छा, सब अपन अपन ससुराल चले गए जी अब बीजे देशमुख जी आप मन तो गीत गाते छो जो गीत जो गाता ला आप मन खुद स्वयं लिखता हो कि से इसे नहीं स्वयं भी लिखता हाँ। लिख ही अच्छा ज्यादातर जी और जी और बात करें आप मन ऐसे कौन से संस्था है जिमां आप मन अपन भूमिका ला निभा थोड़ा सा संस्था का नाम भी बताते हो और कहाँ से वो संस्था चलते ला बताते हो मैं तो शुरू से मोर मैारू संगी में ही चलत हूँ मोर मैरू संगी में गायक रूप में अभी तक के हूँ वही मोर लोक मंच के शुरुआत है रे मोर मैरू संगी से ही आगे बढ़े हूँ लोक कला क्षेत्र में बाकी पहली रामायण जैसे तो करत रहे हूँ लोक क्षेत्र में सबसे पहली मोर कदम वही रखे हूँ मोर मैरू संगी तेड़े सरा जी वहीं से ही आगे मैं अभी क्या बात है बहुत अच्छा और बिल्कुल आगे बढ़ते रहो अपन भैया जी और फिर हमरो दर्शक मन कटा थे बस गुटेज बातला करते थे और बस गुठेज बातला सुनाव का हाथ हुई भाई है ना तो बिल्कुल भैया जी देशमुख जी आपन हमारे दर्शक मन ला दो लाइन बढ़िया गीत सुना देते हो तो वह मतलब अच्छा लगती तो मन के मन गदगद हो जातीस भाई है ना तो का गीत सुना चाहते दो लाइन सुनाते जी मोर सबसे पहली एल्बम गीत रही से अच्छा जिला हम निकाले हूँ हाँ गीत है जी ते आ जाओ ते आ जाओ ते आ जाबो पढ़ी की पर होना बन के मुर घर मा जाबो पढ़ी की परे होना बन के मुर घर मा जाबो तोर संग लगने लगा हूँ ज़िंदगी तोर संग बिता हूँ तोर संग लगने लगा हूँ जिनकी तोर संग बिताऊ पढ़ की पर ना बन के मुर घर माँ जावो पढ़ की पर ना बन के मुर घर मा जावो क्या बात है बहुत ही प्यारा सा गीत और बहुत बढ़िया आवाज और बात करें भैया आप मना लोग गायक के रूप में भूमिका हो ये छत्तीसगढ़ की महातारी के भूया के प्रति आपमन अपन हाँ गीत ला समर्पित करा था गावा था आपमन हाँ। तो आगे कलाकारी के बारे में का सोचे हो मैं तो कलाकारी के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ यही सोच के करा था कि हाँ। आगे मोर अच्छा नाम हो मोर माँ बाप के नाम रोशन हो यही चाहता हूँ कि कला क्षेत्र में अभी तो कोई ज़्यादा नहीं जाना थे मैं सोच रखे हूँ कि बोला पूरा छत्तीसगढ़ जाने यही सोच के मैं कलाकारी कर रहा था और अच्छा नाम रहे ये जी जी और बात करें आप मन हाँ गीत तो गाते छो महा के अचरा में ये भूयाँ में लोगन मन के सेवा करते हो और फिर बात करें एल्बम के थोड़ा सा दुनिया में चलते तो आप मन के फर्स्ट एल्बम ऐसे कौन से गीत रहे? जे मैं गाया वही तो फर्स्ट एल्बम वही गीत है सबसे शुरुआत में सुनाया हो अच्छा वही मोर सबसे फर्स्ट गीत है स्टूडियो में यहाँ जा करके गीत अभी पहली सुना वही अच्छा जी तो आपमन के ऐसे जब पहला एल्बम मन है स्टूडियो में शूट कर रहे तो कैसे रिस आपमन के मन में कैसे कुछ विचार या कोई डर या कोई ऐसे झिझक रही था शुरुआत में तो डर झिझक तो रहवेच करी ही अब अच्छा। शुरुआत में डर तो रह है रहना श्योर है हां हां अब धीरे-धीरे गात-गात गाते स्टूडियो भी जाना हो लगातार तो फिर डर भी भगइस जी तो बिल्कुल फिर दर्शक मल्ला फिर हुआ बुरियात फिर एक आठ नौ गीत सुना देती इस करके तो अभी फिर आवकास सुनाना चाहो दो सुनाते। जी। अभी मैं सुना था गोरी रे संगी तुर भी न मुर जिंदगी हो जाही बिरान ए गोरी रे सजनी तुर भी न मुर जिंदगी हो जाही बीरान बिनाए जिंदगी जिए नहीं सको तुर बिनाए जिंदगी जिए नहीं सको ए गोरी रे सजनी तुर भी न मुर जिंदगी हो जाहे बिरान क्या जा बात बहुत ही प्यारा गीत और बिल्कुल संगवारियो आप मन ला कैसे लगा थे कमेंट के माध्यम से अपन राय जरूर दो अपन कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ कैसे लगत हर मन के गड बात हा आगे चर्चा जारी रही और बात करें हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से लोग गायक है गायक है ना जो महतारी के सेवा करत है लोगन के सेवा करत है बात करें सुनील सोनी जी है दिलीप सरंगी जी है बहुत से गायक है गोरेला बर्मन जी तो आप मन को ऐसे देख के को अपन आइडल मानते हो जेकर से हमला कुछ सीखे मिलते ऐसे कुछ आइडल तो है सुनील सोनी जी भी फॉलो अच्छा। और मुला बहुत अच्छा लगते होकर गीत सुनने में अनुराग शर्मा जी के जो अच्छा। गीत मन है ना जो ओला में थोड़ा से फॉलो करे कोशिश करता हूँ तर, 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 तरह तो नहीं कर सकूँ लेकिन थोड़ा बहुत टाइप के गाय के प्रयास अच्छा। करता हूँ ऐसे बात करें आप हाँ खाली समय में आप मन के प्रैक्टिस के कैसे का कैसे टाइप के तैयारी मन तैयारी करते खाली समय में प्रैक्टिस बस हाँ। ये काम करत करत हाँ। काम में करत हन फिर मन में जो आ जो रियाज कर लेते अच्छा। कोई भी गीत गुनगुनात गुनगुनात तो यही घर में तो समय थोड़ा बहुत एक दिन बैठ नहीं से तो कोई रोटेशन बने नहीं है बनाए नहीं है तो ऐसे बात करें थोड़ा सा परिवार के बारे में तो आप मन के परिवार में आप मना गीत भी गावा था गायक के तौर पे जब महतारी किसे वगैरह तो आप माना खिसिया नहीं कहा गीत उत गावा तरी था घर में परिवार के मन ऐसे कुछ नहीं बोलेगा नहीं वो तो घर के मन तो बोलभेज करते हाँ। चाहे काम करो या ना करो अब कला क्षेत्र में तो मुला शुरू से मोर माँ पापा मोर फैमिली सपोर्ट करे है अभी भी करते आते वो तो घर घर के कहानी कुछ बोलना तो बोलबे करी तो अपन के का राय रहे थे अपन का की तो मैं तो मन बोलते तब वो सुन के निकल जाता मुझे जाना अच्छा। है कलाकारी करना है जी जी अच्छा <laughs> अब पा, आस पास पड़ोस के मन का की देता अभी तक के तो मन कुछ अच्छा। बोले नहीं है और बोलते तो अभी तक के तारीफ ही करते हाँ। कि बहुत अच्छा कलाकारी करत आगे बढ़त हमेशा इसी आगे बढ़ तारीफ ही करते अब बुरा बोला तो इत तो मैं जाना नहीं <laughs> जी और बिल्कुल संगवारी हो आ, देखो कई प्रकार के इंसान होते संगवारी हो कोई बुरा बोलने वाला कोई अच्छा बोलने वाला तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप मतलब जो अच्छा बोला तो वो ग्रहण करो और जो बुरा होते तो वोला एक कान से सुनो जरूर लेकिन वोला एक कान से निकाल दो अब एक कखरो बातला बुरा मानो तो हमार हम तो आगे नहीं बढ़ सकन इसे अगर ककरो बातला अगर दिल से लेबो तो तो दिल से नहीं लेना है और अपन जो जुनून है अपन कला के प्रति जो जुनून है बिल्कुल आप मन हम बिल्कुल मेहनत करो और पार करते हुए फिर आगे निकल जाओ बस यही सार है और फिर बात करें ना आप मन फिर एक आठ हन बढ़िया सारी गीत गुन सुना देते गुनगुना देते भाई काबर बहुत टाइम हो गया अस कटा तू मन दिखाइया मतलब का सुनाना चाहते जी मैं अपन संस्था के मोर में मैरू संगी के संस्था के गीत सुना था जिला में गाता हूँ अपना जी जी बिल्कुल तुर मीठ बोली गुर तुर मिठ बोली लागे तुर मीठ बोली गुर तुर लागे मन मा समागे हृदय मा समागे मुर मन मा समागे हृदय मा समागे तोरे च तुर बोलिया तुर बोली ना तुर बोली वो तुर बोलिया क्या बात है बहुत अच्छा और बहुत प्यारा गीत और बिल्कुल संग वाले अपन सपोर्ट बनाए रखो अपन मैं वो दुलार देवा तो हमारे देश में भैया जिला तो आगे आप मन के वो कोई गीत अवैया है का एल्बम के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से अभी तो तीन चार गीत अभी एल्बम के माध्यम से आने वाला है तैयारी चलत है जी जी अच्छा जी बिल्कुल और बिल्कुल हुआ भैया गीत ला अपन मैं दुलार दुल हमारे देश को भैया जिला और फिर बात करन देखो छत्तीसगढ़ में बहुत से गीत बनते थे हम देखा था है ना कई प्रकार के ऐसे गीत हैं जो हम परिवार मिलके सुन भी नहीं सकन और ना सुना भी नहीं सकन ऐसे ऐसे भी गीत हैं वो अच्छा गीत भी बनत भाई तो उमा आप मन का कहना चाहता मैं तो ये जितना जो कई ठो गीत मन बने हैं अभद्र व्यवहार टाइप के ऊपर जो शब्द रचना है वो वैसे गीत तो मुझे पसंद ही नहीं आए और वो गीत मतलब मैं सुनना पसंद ही नहीं कर रहा अच्छा। हूँ मुला अपन जो लोक सांस्कृतिक परंपरा है वो सब गीत मन पसंद आते हैं वही अभी तक जी बहुत अच्छा और बहुत अच्छा विचार है बिल्कुल आपमन ऐसे गीत परोसो जो परिवार सुन सके लोग ना सुन सके और बहुत अच्छा सोचे आपमन भी कि एक अच्छा जो धरोहर है जो छत्तीसगढ़ के जो गीत है धरोहर ला लेके आप मन चला था बहुत अच्छा काम करा था फिर आप मतलब ये चैनल के माध्यम से देखा थे संगीत संगवारी आप मन के चाहने वाला तो ओला आप मन का कहना चाहता हूँ मैं तो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ जी और मैं एक चीज आप मन से रिक्वेस्ट है हाँ जितना जन देखा था जी मोर मितान चैनल ला लाइक करु सब्सक्राइब करूँ और हमार जी से कतनों कलाकार हैं छोटे से लेकर के बड़े बड़े कलाकार है सब ला सपोर्ट करूँ और मोरो जी जैसे अभी छोटे छोटे कलाकारों हों छोटे हूँ सपोर्ट करूँ हमेशा मुला उत्साह प्रदान करूँ यही आप मन फेक्चर अपेक्षा हूं और बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आप मन के जो हमार मितान छत्तीसगढ़ चैनल के लिए दो शब्द बोलियो कर लिए और हम तो यही कामना करना चाहतन भगवान से कि आप आपन आगे तरक्की करते रहो आगे बढ़ते रहो और समय भी होते संगवारी हो, हो जाए के लेकिन हम इसने विदा नहीं लेबन एक ठन गीत सुने के बाद ही विदा लेबो तो भैया जी आप मन आपन जाति बिराती का गीत परोसना चाहता हमार संगीत संगवारी मन ला जी पुन्ने के चंदा के अलगे केमकें अरे पुन्नी के चंदा के अलगे चमक हेरे मोर मयारू संगी के बात अलग है और तो तेड़े सरा वाले के अलगे झलक है पुन्नी के चंदा के अलगे चमक हे अरे पुन्नी के चंदा के अलगे चमक हेरे मुर मयाु संगी के बात अलग है और तो तेरे सरा वाले के अलग झलक है क्या बात है भैया और टेढ़े सरा वाला की बातें अलग ही रहते हैं है ना और बिल्कुल संगवारी हो आप कैसे लगे से गीत था बिल्कुल आप मन कमेंट के कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओ और समय भी हुआ थे जाए कि अब समय के ऐसे लगे थे विदा तो लेकर मन नहीं करा था लेकिन कहा कर वे समय ला ध्यान दे के काम करना पड़ते और ठीक है संगवारी और सबसे पहले भैया जी आप मन के हमारे मितान छेरे चैनल में स्वागत रही से जो आप मन अपन कीमती समय देखिए बहुत बहुत धन्यवाद है और आगे आप मन आप बढ़त रहो और ठीक है संग फिर समय तो होगी अब जाए चले लगी और बहुत जल्द एक नए विचार एक नए वीडियो के साथ एक नया कलाकार के साथ एक नया इंटरव्यू के साथ फिर भी तब तक के लिए जय जोहार और जय छत्तीसगढ़